सो हेलो अवरीवन दिस इज निहल श्रीवास्तव एंड इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालिसिस सो ऑन फ्रंट पेज वी हैव अ गुड न्यूज़ मीन्स इन कॉप फिफ्टीन समिट अडॉप्ट हिस्टोरिकल बायोडावर्सिटी डील कॉ फिफ्टीन में हम जानते हैं कि समिट ने एक बायोडाइवर्सिटी डील अडॉप्ट करी थी तो हम लोग कॉफ फिफ्टीन के बारे में जान लेते हैं कॉफ फिफ्टीन क्या है कॉफ फिफ्टीन के बारे में जानते हैं पहले कॉफ फिफ्टीन इज़ अ की मोमेंट इन द फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड रॉट मतलब की डिजर्टिफिकेशन को लेकर के बात की जा रही थी इसमें लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के और सूखा जो पड़ता है उसको लेकर के बात करी जा रही थी कॉ फिफ्टीन का फुल फॉर्म क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यूनाइटेड ये किसके अंदर आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यू एन के अंदर आता है और ये कहाँ हुआ था कोर्ट डी आईवरे वेस्टर्न अफ्रीका में ये हुआ था ठीक है और ये कॉ फिफ्टीन है? मतलब फिफ्टीन सेशन फिफ्टीन जो है यहाँ पे फिफ्टीन सेशन को बताता है कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इट वॉज इट विल बिल्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल लैंड आउटलुक मतलब कि ये जो है ग्लोबल लैंड आउटलुक की रिपोर्ट थी उसके सेकेंड एडिशन पर बना था एंड ऑफर अ कंक्रीट रिस्पॉन्स टू द इंटर कनेक्टेड चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि ये लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज और बायोडावर्सिटी लॉस के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के आया था ठीक है मतलब उसके सॉल्यूशन को लेकर के एमर्ज हुआ था इसलिए कॉ फिफ्टीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है कॉन्फ्र कॉप ठीक है फिफ्टीन सेशन जो की है साथ ही साथ ग्लोबल लैंड आउटलुक क्या है द यू एन सी सी डी फ्लैगशिप पब्लिकेशन अंडर स्कोरस लैंड सिस्टम चैलेंजेस मतलब कि यहाँ पे इन सब लोगों ने मिल कर के ठीक है इन सब लोगों ने क्या किया मिल करके एक प्रैक्टिस रखी है ना और पॉइंट्स दिए कि जिससे कॉस्ट इफेक्टिव पाथ ले आए जा सके सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के लैंड की बात क्यों की जा रही है क्योंकि लैंड जो है उससे एग्रीकल्चर होगा अगर डेजर्टिफिकेशन होने लगा तो फिर ना वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाएंगे ना वहाँ पे लोग घर बना पाएंगे और ना ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो पाएगा ईजिली क्योंकि डेजर्ट में आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता डेजर्ट एकदम रेगिस्तान वही सन्नाटा पड़ा होता है वही चीज़ है कि अगर लैंड को हम अच्छा बनाते हैं तो उससे क्या होगा हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे बाकी डेजर्ट में कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो मिलते नहीं हैं लेकिन जो फ़र्टाइल लैंड होती है उसके अंदर रिसोर्सेज आपको मिलते हैं वाटर मैनेजमेंट क्यों अगर ड्रॉट से लड़ना है तो वाटर मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ठीक है इसके एजेंडा क्या है एजेंडा हमने भी बताया ड्रॉट सूखा लैंड रिस्टोरेशन मतलब जमीन को फिर से उतना उपजाऊ बना देना एंड रिलेटेड इनेबलर्स मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जैसे कि लैंड राइट्स हो गया जेंडर इक्वालिटी हो गया यूथ एम्पावरमेंट हो गया ये कुछ एजेंडाज़ हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ लेकर के चलता है इसकी थीम क्या है लैंड लाइफ Legacy फ्रॉम Scarcity टू Prosperity ये कॉप फिफ्टीन का है अलग अलग कॉप में अलग अलग थीम्स होती हैं वट इज़ डेजर्टिफिकेशन अब हम लोग बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन क्या होता है डेजर्टिफिकेशन का मतलब पहले मैं एक नॉर्मल वे में समझा देता हूँ नॉर्मल वे में जैसे डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी यहाँ पेड़ पौधे थे एक टाइम आया कि ये पूरा खत्म हो गया और अब जमीन की क्वालिटी मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिसोर्स बचे नहीं कि ज़मीन यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्रॉप्स या प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी ग्रो कर पाए ठीक है तो इसी को बोलते हैं डेजिटिफिकेशन मतलब रेगिस्तान बन जाना एकदम सूखा सन्नाटा लैंड डिग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ड्राई लैंड मतलब सूखी जमीन जो कि कुछ भी बायोलॉजिकली प्रोड्यूस ना कर पाए लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज़ रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर अब ये बता रहे हैं कि कई फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे सूखा पड़ने के रेगिस्तान बनने के जैसे क्लाइमेटिक वेरिएशन हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई ये सारी चीज़ें होती हैं इसके काज़ क्या क्या है अब हम लोग ये देखते हैं कॉजेज है लॉस ऑफ सॉइल कवर सॉइल कवर मतलब क्या होता है जैसे कि जमीन की ऊपर की जो लेयर होती है जैसे हमने पढ़ा है ना लेयर्स ऑफ सॉइल तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये बह जाती है पानी के साथ जैसे पानी आया बारिश हुई बहुत ज़्यादा तो पानी के साथ वो क्या लेयर हुई वो लेयर बह गई तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है सरफेस सरफेस रन ऑफ जिसे कहते हैं दूसरा रीज़न है मतलब फॉरेस्ट कट कर देना है ना फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कट कर दिया उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है अर्बनाइजेशन बढ़ाना उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है और रिसोर्स निकालना है अगर तो आप गड्ढा कर दिए जमीन वहाँ की ख़राब हो गई वेजिटेशन डिग्रेडेशन वेजिटेशन डिग्रेडेशन क्या होता है टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट रिडक्शन इन डेंसिटी डेंसिटी मतलब अभी हम घूमने गए कहीं पे तो हमने देखा कि यहाँ पे दस पेड़ हैं हम दस दिन बाद गए या फिर हमने कहा कि दो साल बाद गए आप देख रहे हो वहाँ पाँच ही पेड़ हैं और जितना मतलब डेंसिटी मतलब घनापन है ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे लेकिन बाद में क्या हुआ कम हो गए तो इससे क्या होता है हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का स्पेसिस कंजम्पन और प्रोडक्टिविटी वेजिटेशन कवर मतलब कि स्पेसिस कंजम्प्शन का मतलब क्या है कि कौन सा जानवर वहाँ पर प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट है वहाँ की जो लाइफ साइकिल है है ना लाइफ साइकिल है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है है ना कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई एनिमल ऐसा है जो पूरी तरह से खत्म हो गया जो क्रॉप्स को बचा के रखता था लेकिन अब ग्रेजिंग एनिमल ज्यादा हो गए वो सारी क्रॉप खा गए अब वो एरिया डेजर्टेड हो गई वाटर इरोजन ए रिजल्ट इन बैड लैंड टोपोग्राफी वाटर इरोजन का मतलब इससे क्या होता है बैड लैंड टोप मतलब जैसे कि हमारी ज़मीन है ये ज़मीन है ठीक है अब क्या हुआ इसमें पानी बहना शुरू हुआ पानी बहना शुरू हुआ अब पानी बहते बहते इस ज़मीन को भी बहा के ले गया इसमें गड्ढे हो गए ढेर सारे बड़े बड़े ऐसे ऐसे गड्ढे हो गए अब गड्ढे हो गए तो फिर ये क्या हो गई ज़मीन बेकार हो गई अब यहाँ पर कुछ भी उगेगा नहीं उगा सकते हम चाहें भी तो इससे बैड लैंड टोपोग्राफी क्रिएट होती है बैड लैंड्स क्या होते हैं ड्राई टेरेन सूखे होते हैं सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक या मिट्टी जैसे होते हैं और पूरी तरह से इरोडेड होते हैं मतलब प्लेन नहीं होगा ऐसे से, ऐसे ऐसे होगा ऐसे से ज़मीन बनी होगी एकदम प्लेन नहीं होगी इस तरह से प्लेन में आप कुछ उगा सकते हो इस ज़मीन पे उगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसी को कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी फिर आता है विंड इरोजन विंड इरोजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा आई और उसने सैंड को उड़ा ले गई मिट्टी को उड़ा ले गई इससे भी डिजर्टिफिकेशन होता है इससे भी फर्टिलिटी सॉइल की रिड्यूस होती है और ये माना जाता है कि विंड इरोजन जो है वो फाइव पॉइंट फोर सिक्स परसेंट डिजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब रिलेटेड एफर्ट्स क्या क्या लिए गए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं विंड इरोजन वाटर इरोजन वेजिटेशन डिग्रेडेशन लॉस ऑफ सॉइल कवर और वही लॉस ऑफ सॉइल कवर ये सारे रीजनस थे जिससे डिजर्टिफिकेशन होता है अब देखेंगे कि क्या क्या ग्लोबल एफर्ट लिए गए इसको लेकर के तो यू मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये 1994 में बना था ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग क्या होता है मतलब कि अगर इसने कुछ भी बोला है तो उसे लीगली माना जाएगा और उसे हर कंट्री जो है अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी जो जो यू एन की मेम्बर होगी ठीक है तो पहली बात तो ये कब बना नाइनटीन में बना ठीक है और ये सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के एनवायरमेंट को लेकर के बात करता है ठीक है इसके बाद डेली डिक्लेरेशन ऑफ 2019 साइंड बाय फोर्टीन कॉप ऑफ यू एन मतलब कि फोर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जितने भी मेम्बर थे उन्होंने क्या किया कि डेली डिक्लेरेशन ऑफ टू को साइन किया साइन किया मतलब इस पर एग्री किया कि ठीक है हम इस चीज़ को मानते हैं ठीक है इसके बाद किस लिए किया क्योंकि यहाँ पे बेटर एक्सेस एंड स्टेवरशिप ओवर लैंड मतलब लैंड के लिए एक अच्छा एक्सेस रहे ठीक है जें जेंडर सेंसिटिव चीज़ों को देखा जाए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स लेकर के आए जाएँ मतलब कि जेंडर सेंसिटिव मतलब कि हमें ध्यान देना है कौन मैन है कौन वुमेन है मैंस के लिए क्या चीज़ें बेटर हैं वुमेंस के लिए क्या चीज़ें बेटर है इन सब चीज़ों को ध्यान में देख करके तो ये फोर्टीन कॉप ने जो है दिल्ली डिकलेशन 2019 को साइन किया जहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करेगी लैंड और जेंडर सेंसिटिवनेस फिर बॉर्न चैलेंज लेके आए बॉन चैलेंज में क्या हुआ जहाँ पर डेढ़ सौ मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड डीफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड इंटू रिस्टोरेशन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थ्री फिफ्टी मिलियन हेक्टेयर बाई ट्वेंटी थर्टी मतलब बॉर्न चैलेंज क्या था ये एक चैलेंज था और कह सकते हैं प्रोजेक्ट था टारगेट था जहाँ पर डेढ़ सौ मिलियन हेक्टेयर लैंड को हमें रिस्टोर करना था फिर से वापस हमें उसे डीफॉरेस्टेड डिग्रेडेड लैंड से एक अच्छी फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना था दो हजार बीस तक और 2030 तक देखिए तो साढ़े तीन सौ मिलियन हेक्टेयर का टारगेट इनका है इसके बाद आता है ग्रेट ग्रीन वॉल जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा इनिशिएट किया गया जहां पे 11 कंट्रीज़ कहां पे साहल सहारन अफ्रीका में उन्होंने फोकस किया कि वो किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं वहाँ के प्लांट लाइफ को दोबारा क्यों क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा नेशन है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है है ना वहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ की लैंड जो है थोड़ी ऐसी ही है ठीक है तो वहाँ पे साहिल सहारन अफ्रीका तो साहल सहारन अफ्रीका हमें ये भी पता है कि सहारा डेजर्ट भी है वहाँ पर तो वहाँ पर ये इनका प्लान है कि ये क्या करेंगे ग्यारह कंट्री मिल करके डिग्रेडेशन को रोक करके वहाँ के नेटिव प्लांट लाइफ को फिर से रिवाइव करने का काम करेंगी इसके बाद इंडिया का क्या एफर्ट है तो इंडिया का एफर्ट है इंडिया जो है फोकस कर रहा है सस्टेनेबल लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में फॉर लाइवलीहुड जनरेशन मतलब कि लोगों के जो भी कार्य हैं वो सही तरीके से हो सकें ठीक है तो सस्टेनेबल लैंड मतलब कि ऐसी लैंड जो कि फर्टाइल भी हो हमारे रिसोर्सेज फुलफिल करने के काम भी है और रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से मैनेज करने का काम इंडिया कर रहा है एट कम्युनिटी लेवल कम्युनिटी लेवल पे फॉर मेकिंग द लोकल लैंड हेल्दियर लोकल लैंड को हेल्दी बना रहा है और प्रोडक्टिव फॉर मतलब कि हेल्दी और प्रोडक्टिव जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्टाइल बना रहा है फर्टाइल का मतलब ये हो गया हेल्दी एंड प्रोडक्टिव जिससे कि आने वाले फ्यूचर में हम वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंजम्पन उसका कर सकें है ना और एक सस्टेनेबल वे में कंज्यूम कर सकें फिर दूसरा प्लान है इसका नेशनल एक्शन प्लान एक्शन प्लान प्रोग्राम है जिससे वो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेगा ये प्रिपेयर किया गया 2001 में और इसमें जो है डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को कॉम्बैक्ट करना बताया गया हमने डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस किया है हम देख सकते हैं ये यह, यहाँ पे हमने आ, एक मिनट ये हमने ब, बात किया कि कैसे डेजर्टिफिकेशन होता है सॉइल कवर लॉस से वेजिटेशन डिग्रेडेशन से वाटर इरोजन से विंड इरोजन से ये सारी चीज़ें थी जो डेजर्टिफिकेशन लेके आती हैं तो अब इंडिया भी क्या कर रहा है डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए दो हज़ार में ऑलरेडी प्लान लेके आ चुका है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है फॉलोइंग द ग्लोबल कॉल फॉर द सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप मतलब कि अब ग्लोबल कॉल का मतलब क्या है कि पूरे सारे नेशन मिल करके इस चीज़ को बात कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड में रिस्टोरेशन को हमें लेकर के आना चाहिए इंडिया ने जो है सिक्स रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स को माना है जो कि ये टारगेट करते हैं कि हम 12.5 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर कर लेंगे ठीक है फॉलोइंग द ग्लोबल कॉल ये तो हमने बात कर ली कुछ मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करते हैं है ना जैसे लैंड का डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन है उसको कैसे करेंगे अब ये लोग तो पहला है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना में यहाँ पे बात करके किस तरह से हम कृषि को मतलब एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं और अब सीधी सी बात है एग्रीकल्चर बढ़िया कैसे बनेगा जब लैंड फर्टाइल होगी वहाँ का जो उपज है मतलब कि वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी तो ये एक आ, हम लोग नेशनल लेवल प्लान लेकर के आए हैं फिर दूसरा है नेशनल ईफॉरेस्टेशन प्रोग्राम तीसरा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया चौथा है मनरेगा मनरेगा स्कीम क्यों मनरेगा स्कीम का मतलब हम यहाँ पर लाइवलीहुड को भी लेकर के बात कर रहे हैं लाइवलीहुड का मतलब क्या है कि लोगों का जो भी जीवन है वो सही से चल सके उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मनरेगा मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है साल में मिनिमम हंड्रेड डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको सौ दिन काम करने को मिलता है और सौ दिन के पैसे मिलते हैं अगर काम नहीं भी कराया गया तो उनको पैसे मिलेंगे स्टेट की तरफ से सॉयल कंजर्वेशन कैचमेंट ऑफ़ रिवर वैली प्रोजेक्ट सॉयल को कंजर्व करने का प्लान है ये नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट मतलब वाटर को कैसे कन हम लोग बचा सकें और ज़्यादा है ना रेनफेड एरियाज में वो प्लान है फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम कंपोनेंट ऑफ ग्रास लैंड डेवलपिंग इंक्लूडिंग ग्रैस ग्रास रिजर्व मतलब कि फॉर्डर और फॉर्डर वगैरह को लेकर के यहाँ पर कैसे उनको बचाया जाए ग्रास लैंडस को कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम ये भी वाटर को लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एट्सट्रा ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम थोड़ा सा नया है इम्पॉर्टेंट भी है ये जो रेड से है वो इम्पोर्टेंट है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम का मतलब क्या कि हमेशा एक हेल्थ कार्ड बनेगा सॉइल का जो बताता रहेगा कि हाँ सॉयल अभी इतनी सही है इतनी ख़राब है ये इतनी फर्टिलिटी सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के वो काफ़ी अच्छे हैं जो प्रोग्राम्स हैं बहुत अच्छे हैं और इंडिया को ऐसे ही आगे अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए तभी जाके हमारा नेशन जो है वो एक टाइम पे आने आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा डेवलप्ड नेशन की तरह उभरता हुआ नज़र आएगा